Hello viewers, assalamu alaikum. Welcome to mathematics class for 10th standard. You know we are dealing with coordinate geometry and our topic is about section formula. तो section formula में हम क्या देखते हैं, अगर कोई दो points को हम join करेंगे वहाँ line segment बनेगा, और उस लाइन सेगमेंट के ऊपर अगर कोई भी पॉइंट होगा जो इसको दो हिस्सों में डिवाइड करता है जिनका रेशो एम वन और एम टू है, तो अगर हमें ए और बी दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स मालूम है, हम पॉइंट पी जो इनको दो हिस्सों में डिवाइड करता है उसके भी कोऑर्डिनेट्स मालूम कर सकते हैं अगर हमें इन दो एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स मालूम हैं। तो इनको हम कैसे मालूम करते हैं, इसके लिए हमें एक्स जो है एक्स कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ डिवीजन का वो एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू होता है, और उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट होता है एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू। यहाँ एम वन और एम टू रेशो होता है जिस रेशो में ये लाइन सेगमेंट डिवाइड होता है, और एक्स वन एक्स टू वाई वन वाई टू उन दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स होते हैं जिनको मिलाने से लाइन सेगमेंट बनता है। तो इसी को यूज़ करके आज हम फिर एक्सरसाइज 7.2 से कुछ क्वेश्चंस करेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स माइनस थ्री टेन एंड सिक्स माइनस एट इज डिवाइडेड बाय माइनस वन सिक्स। तो यहाँ तीन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, एक है माइनस थ्री टेन, दूसरा पॉइंट है सिक्स माइनस एट, और तीसरा पॉइंट है माइनस वन सिक्स। इन दो पॉइंट्स को माइनस थ्री टेन और सेकस माइनस एट, ये जो दो पॉइंट है इनको मिलाने से एक लाइन सेगमेंट बनता है, और उस लाइन सेगमेंट एक पॉइंट ये है माइनस वन सेकस। हमें बताना है कि ये माइनस वन सेकस इस लाइन सेगमेंट को जो इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करता करने से बनता है उसको किस रेशो में डिवाइड करता है, रेशो निकालना है जिसमें ये लाइन सेगमेंट डिवाइड होता है। तो चलिए इसको देखते हैं। x1 y1 पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट माइनस थ्री टेन, इसी तरह से x2 y2 दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट सिक्स माइनस एट, और एक्स वाई जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है जो इनको दो हिस्सों में डिवाइड करता है उसके कोऑर्डिनेट एक्स माइनस वन वाई सिक्स। तो इसको हम यूज़ करके हम देखेंगे कि क्या रेशो है जिसमें ये डिवाइड होते हैं। अब सेक्शन फार्मूला में हम x भी निकाल सकते हैं y भी निकाल सकते हैं, तो हम इनमें से एक को यूज़ करेंगे। चलिए अगर हम x को यूज़ करेंगे तो x किसके बराबर होता है m1 x2 plus m2 x1 divided by m1 plus m2। यहाँ यूज़ करेंगे इसको यूजिंग द सेक्शन फार्मूला x1 x इज इक्वल टू m1 x2 plus m2 x1 divided by m1 plus m2। अब यहाँ पर x x1 और x2 के वैल्यूज़ हमें मालूम है, x माइनस वन है, x1 माइनस थ्री है, और x2 सिक्स है, इनको हम यूज़ करेंगे। x माइनस वन, m1 मालूम नहीं है इसको निकालना है, x2 दैट इज सिक्स प्लस m2 ये भी पता नहीं है, x1 दैट इज माइनस थ्री डिवाइड बाई m1 प्लस m2। अब इसको मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा, सिक्स m1, और इनको मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस माइनस थ्री m2 बनेगा, माइनस थ्री m2। बाकी ऐसे ही माइनस वन भी ऐसे ही, एम वन प्लस एम टू भी ऐसे ही। यहाँ पर सिक्स एम वन को मल्टीप्लाई करके सिक्स एम वन बनेगा, प्लस एम टू माइनस थ्री इसको मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस माइनस थ्री एम टू बनेगा। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये जो है सिक्स एम माइनस सिक्स एम वन माइनस थ्री एम टू, इसको डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा जिसका कुछ नहीं है वन है, तो इसको वन के साथ मल्टीप्लाई होगा, इस माइनस वन को एम वन प्लस एम टू के साथ मल्टीप्लाई होगा। जब इसको वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिक्स एम वन माइनस थ्री एम टू ये ऐसे ही रहेगा, इस माइनस वन से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वन को एम वन के साथ ये माइनस एम वन बनेगा, और माइनस एम माइनस वन को एम टू के साथ तो ये माइनस एम टू बनेगा। ठीक है, अब इस माइनस एम वन को लेफ्ट साइड में लाते हैं ये प्लस एम वन बनेगा, इसी तरह से थ्री एम टू जो माइनस है इसको राइट साइड में ले जाएंगे तो ये प्लस थ्री एम टू बन जाएगा। माइनस एम वन को यहाँ लाए प्लस एम वन बन गया,
इस माइनस थ्री एम टू को राइट साइड में लेके ये क्या बन गया, प्लस थ्री एम टू, और ये माइनस एम टू यहाँ पर अपना है। सिक्स एम वन प्लस एम वन ये बन जाएगा सेवन एम वन, थ्री एम टू में से एम टू सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये टू एम टू बनेगा। ठीक है, इनको ऐड हो जाएगा, इनको सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो अब इस एम टू को लेफ्ट साइड में लाते हैं, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, तो ये बनेगा एम वन डिवाइडेड बाई एम टू। अब इस सेवन को जो यहाँ पर एम वन के साथ मल्टीप्लाई है, इसको राइट साइड में ले जाएंगे तो ये यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, ये बनेगा टू बाई सेवन। एम वन के साथ ये एम टू लेके आएंगे, ये डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से टू के साथ ये सेवन यहाँ पर ले आएंगे, ये मल्टीप्लाई है, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास अब क्या है, एम वन बाई एम टू इज इक्वल टू टू बाई सेवन। अगर इसको रेशियो में लिखेंगे तो इसको लिखेंगे एम वन इज टू एम टू, तो इसको फिर क्या होगा, एम टू इज टू सेवन। तो इस तरह से एम वन इज टू एम टू इज इक्वल टू टू इज टू सेवन। तो अब रेशियो क्या आ गया, टू इज टू सेवन, हेंस द रेशियो इज टू इज टू सेवन। तो इस तरह से हमने यहाँ पर सेक्शन फार्मूला के जरिए से इसका रेशियो निकाला, जिस रेशियो में ये लाइन सेगमेंट डिवाइड होता है। हाँ, एक चीज़ आप याद रखिए, यहाँ पर y वाला कोऑर्डिनेट भी यूज़ कर सकते हैं, ये y वाला, दिस वन y इज इक्वल टू एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन डिवाइड बाई एम वन प्लस, फिर भी यही आएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं, एक्सरसाइज 7.2 का। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए 1-5 एंड बी 4-5 इज डिवाइडेड बाई द एक्स एक्सिस, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो यहाँ देखिए आप, एक पॉइंट है ए, उसके कोऑर्डिनेट है 1-5, और दूसरा पॉइंट है बी, उसके कोऑर्डिनेट है 4-5। तो ये इसका पॉइंट ऑफ डिवीजन कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस इनको डिवाइड करता है। जब ए बी लाइन को हम ज्वाइन करेंगे तो वो एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट होती है। हमें बताना है कि उस एक्सिस एक्सिस पर जब इनके दो हिस्से होते हैं तो उसमें रेशो क्या बनता है उस लाइन सेगमेंट का, और ये भी बताना है कि जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है जहां पर ये डिवाइड होते हैं दो हिस्सों में, उस पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेटर्स क्या है। जैसा कि आप जानते हो, जो पॉइंट एक्स एक्सिस पर होता है उसका वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है, तो इसका मतलब उसका जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो एक्स जीरो टाइप पर होंगे। एक्स कोऑर्डिनेट कुछ न कुछ होगा वैल्यू उसका, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट हमेशा उसका जीरो होगा। तो हम लिखेंगे, लेट एक्स जीरो बी द पॉइंट ऑफ डिवीजन ऑन एक्स एक्सिस। एक्स वैल्यू तो होगा कुछ उस पॉइंट का, लेकिन वाई वैल्यू हमेशा जीरो होगा, क्योंकि ये पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है। एक्स एक्सिस के ऊपर जो भी पॉइंट होता है उसका वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक्स वन कितना है, एक्स वन वाई वन, एक्स वन वन है और वाई वन -5 है, एक्स टू -4 है, वाई टू 5 है। अब एक्स एक्स ही है और वाई जीरो के बराबर है, यहाँ पर लिखते हैं एक्स वन इज इक्वल टू वन, वाई वन इज इक्वल टू -1, एक्स टू इज इक्वल टू -4, वाई टू इज इक्वल टू 5, एक्स इज इक्वल टू एक्स एंड वाई इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पर है। तो देखिए, अब हम सेक्शन फार्मूला को यूज़ करके, जैसे अभी पहले क्वेश्चन नंबर फोर में हमने किया, यहाँ पर भी वही हम यूज़ करेंगे सेक्शन फार्मूला रेशियो निकालने के लिए। अब यहाँ पर एक्स, वहाँ पर हमने एक्स कोऑर्डिनेट यूज़ किया था पॉइंट ऑफ डिवीजन का, लेकिन यहाँ पर हम x कोऑर्डिनेट यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमें x का वैल्यू पता नहीं है, लेकिन y का वैल्यू मालूम है, वो जीरो है, इसलिए हम y कोऑर्डिनेट यहाँ पर यूज़ करेंगे पॉइंट ऑफ डिवीजन का। y किसके बराबर होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। अब यहाँ पर इनका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, y जीरो के बराबर है, ठीक है, m1 निकालना है, y2 5 के बराबर है, m2 निकालना है, y1 -5 के बराबर। इसको अब सॉल्व करते हैं, 5 इंटू m1 माइनस प्लस माइनस 5 इंटू m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको डिनोमिनेटर के साथ क्रॉस हो जाएगा, तो 1 है डिनोमिनेटर, तो इसका यही आएगा 1 इंटू 5 m1 माइनस 5 m2।
ये तो यही रहेगा फाइव एम वन माइनस फाइव एम टू। इस जीरो को इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जीरो बन जाएगा, जीरो इंटू एम वन इज इक्वल टू जीरो, जीरो इंटू एम टू इज इक्वल टू जीरो। तो अब हमारे पास क्या है, फाइव एम वन माइनस फाइव एम टू इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि जब जीरो को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई में तो ये जीरो बन जाएगा। तो ये इसको डिनोमिनेटर वन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये वही रहेगा। अब इस फाइव एम टू को माइनस है यहाँ पर, इसको राइट साइड में ले जाते हैं तो ये प्लस फाइव एम टू बनेगा, ठीक है। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर जब जाएगा तो ये प्लस एम टू बनेगा। अब क्या करेंगे, इस एम टू को लेफ्ट साइड में लाएंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई है यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा तो ये बनेगा एम वन बाई एम टू। इसी तरह से इस फाइव को राइट साइड में ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा तो ये बनेगा एम वन, एम वन डिवाइडेड बाई एम टू इज इक्वल टू फाइव डिवाइडेड बाई फाइव। तो फाइव बाई फाइव कितना होता है, वन बाई वन, एम वन बाई एम टू इज इक्वल टू वन बाई, क्योंकि इसको जब कसर कटेगी ये क्या बनेगा, फाइव वन जार फाइव, फाइव वन जार फाइव, दैट इज वन बाई वन। सो एम वन बाई एम टू इज इक्वल टू वन बाई वन। इसको रेशियो में लिखेंगे तो क्या बनेगा, एम वन इज टू एम टू इज इक्वल टू वन इज टू वन। तो इस तरह से रेशो क्या निकल गया, वन इज टू वन, ठीक है। अब हमें एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है उसका, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट तो पॉइंट का जीरो है, लेकिन हमें एक्स निकालना है, एक्स का वैल्यू, पी जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है उसका एक्स वैल्यू निकालना है। तो एक्स के लिए हम फिर सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे, एक्स इज इक्वल टू एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू। अब हमारे पास m1 भी है, m2 भी है, x1, x2 भी है। m1 1 है, x2 टू यहाँ देखिए, x2 कितना है माइनस फोर और x1 कितना है वन, x2 की जगह माइनस फोर और x1 की जगह वन। m1 भी 1 है, m2 भी 1 है, यहाँ जब हमने देखा m1 इज इक्वल टू वन, m2 इज इक्वल टू वन, इनको मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस फोर प्लस वन डिवाइड बाई वन प्लस वन टू के बराबर, इनको मल्टीप्लाई वन इंटू माइनस फोर माइनस फोर, वन इंटू वन वन, वन प्लस वन टू, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस थ्री डिवाइड बाई टू, माइनस थ्री डिवाइड बाई टू। इस तरह से एक्स का वैल्यू कितना आ गया, माइनस थ्री बाई टू। हेंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन क्या आ गई, एक्स का वैल्यू माइनस थ्री बाई टू है और वाई का वैल्यू जीरो है। जीरो क्यों है, क्योंकि ये पॉइंट जो है ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, एक्स एक्स से ऊपर जो पॉइंट होता है उसका वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है। एक्स का वैल्यू हमने निकाला माइनस थ्री बाई टू और वाई कोऑर्डिनेट उसका जीरो है, इस तरह से उसके कोऑर्डिनेट माइनस थ्री बाई टू जीरो हो गए। और रेशो क्या हमने यहाँ निकाला, वन इज टू वन, एंड रेशो इज इक्वल टू वन इज टू वन। इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर दिया। तो क्वेश्चन फोर और क्वेश्चन फाइव हमने आज एक्सरसाइज 7.2 से सॉल्व किए हैं, तो इनकी आप खुद प्रैक्टिस कीजिए, बार बार देखिए इसको, क्योंकि आप जितनी बार चाहो देख सकते हो वीडियो को। तो फिर भी अगर कहीं कोई डाउट रह जाएगा आप मुझसे रابطہ कर सकते हैं, तो मैं आपको वो क्लियर करने की कोशिश करूंगा जहां पर कोई डाउट होगा। तो अगली क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।